उत्तराखंड सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी बुधवार को हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने झबरेड़ा पहुंचे और पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम धामी ने चुनाव जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य ही नहीं बल्कि देश में विकास की गंगा बहाई है और पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में देश का गौरव बढ़ा है। इसी दौरान सीएम धामी ने जनसभा में उपस्थित सभी मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में वोट करने की अपील भी की। झबरेड़ा से राहुल सैनी की रिपोर्ट। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप त्रिवेंद्र जी को भारी बहुमत से यानी कि 2014 और 2019 के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे, एक नया रिकॉर्ड आप कायम कर देंगे। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सशक्त बना है, समृद्ध बना है और शक्तिशाली बना है। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों में 12 करोड़ गरीबों को हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हुआ है। देश के अंदर 7 लाख से ज्यादा घरों में इससे पानी पहुंचा है। 10 करोड़ शौचालय बने हैं, करीब 2 लाख शौचालय उत्तराखंड में भी बने हैं और जहां 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। उत्तराखंड में भी अनेक लोगों को आज एक बड़ी संख्या है, 10 लाख के लगभग, जिनको उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मार्च 2020 में प्रारंभ हुई और उसको 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया, जो कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए शुरू किया था कि किसी गरीब के घर का चूल्हा न बुझे, किसी को खाली पेट न सोना पड़े, भूखे पेट न रहना पड़े, उसका जीवन चलता रहे, उसका परिवार चलता रहे। भाइयों बहनों, ये गरीब कल्याण अन्न योजना में भी 80 करोड़ लोगों को आज भी लगातार राशन देने का काम हो रहा है।